जिस सीट पर रहता है त्रिकोणीय मुकाबला, जहां एसपी बीएसपी और बीजेपी में है कड़ी टक्कर। 2022 में कौन बनेगा विजेता और कौन होगा फक्कर? जहां 2017 में मोदी लहर भी पड़ा था फीका, इस बार किसके माथे सजेगा जीत का टीका? पट्टी में अब की बार किसकी जीत पक्की? यूं तो यूपी में विधानसभा की 403 सीटें, कोई बीजेपी का गढ़ है तो कहीं समाजवादी पार्टी का किला, कहीं बीएसपी का दबदबा है तो कहीं दूसरे दल मजबूत स्थिति में है। लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां मुकाबला लगभग हर बार त्रिकोणीय रहा है, जहां चुनावी फाइट कांटे की होती है। तीन दलों के बीच टक्कर में जीत और हार का फासला बेहद ही मामूली रहता है। जीतने वाली पार्टी भले ही नतीजे में 20 साबित होती हो, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियां भी 19 और 18 से नीचे नहीं रहती। वो विधानसभा की सीट है पट्टी, जहां लगभग हर बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच ही लड़ाई होती है। यहां जीत भले ही किसी एक दल की होती हो, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी से वोटों के मुकाबले बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी विधानसभा से विधायक है। पट्टी सीट से चार बार विधायक चुने जाने वाले राजेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। ग्राम में विकास और समग्र ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2017 में बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह समाजवादी पार्टी के राम सिंह को हराकर चौथी बार विधायक बने। बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह जीत तो गए, लेकिन वोटों का अंतर बता रहा है कि पट्टी में फाइट कितनी टाइट थी। बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह को 75,011 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के राम सिंह को 73,538 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं बीएसपी के कुंवर शक्ति सिंह 46,427 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के राम सिंह के बीच वोटों का अंतर महज 1413 का था, यानी महज 1413 वोटों से राजेंद्र प्रताप सिंह जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब पट्टी में दो प्रत्याशियों के बीच जीत और हार का अंतर इतना कम रहा हो। इससे पहले भी कई चुनाव में सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, बल्कि यूं कहें कि 2017 से कड़ी फाइट इससे पहले के चुनाव में देखी गई थी। कई दफे तो जीत का अंतर 500 वोट से भी कम का रहा था। 2017 से पहले के चुनाव यानी 2012 में समाजवादी पार्टी के राम सिंह को जीत मिली थी। राम सिंह चित्रकूट के कुख्यात डकैत ददुआ के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राम सिंह बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह को हराकर पहली बार विधायक बने थे। 2012 के चुनाव में भी जीत और हार का अंतर बेहद कम वोटों का था। समाजवादी पार्टी के राम सिंह को 61,434 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह को महज 156 वोटों से जीत मिली थी। इस चुनाव में बीएसपी की अर्चना देवी को 52,350 वोट मिले थे। इससे पहले 2007 में बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। 2007 में बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के बाल कुमार उर्फ राजकुमार को महज 454 वोटों के अंतर से हरा पाए थे। बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह को जहां 42,589 वोट मिले थे, वहीं समाजवादी पार्टी के बाल कुमार को 42,125 वोट, जबकि बीएसपी के कुंवर शक्ति सिंह 43,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। एक दिलचस्प बात यह है कि सीट पर लगभग हर बार फाइट में रहने के बावजूद बीएसपी को अब तक कामयाबी नहीं मिली। पट्टी सीट पर अब तक बीएसपी का खाता नहीं खुला है। 2007 से पहले के चुनाव की बात करें तो 2002 में बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसपी के मृत्युंजय को हराया था। 1996 में बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी सीट से पहली बार विधायक चुने गए। राजेंद्र प्रताप सिंह बीएसपी के अजीत प्रताप सिंह और मदन सिंह को हराकर विधायक बने थे। इससे पहले 1993 में समाजवादी पार्टी के राम लखन ने बीजेपी उम्मीदवार शिवकांत को हराकर जीत दर्ज की थी। 1991 में बीजेपी के शिवकांत विधायक चुने गए थे। 1989 में राम लखन ने जनता दल के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 1980 और 1985 में कांग्रेस के वासुदेव सिंह लगातार दो बार विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के राजपति मिश्रा विधायक चुने गए। 1974 में कांग्रेस के प्रभाकर नाथ द्विवेदी पट्टी सीट से विधानसभा पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के राजेंद्र प्रताप सिंह इस सीट से सबसे ज्यादा चार बार विधायक चुने गए, जबकि राम लखन और वासुदेव सिंह दो दो बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो 1974 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा पांच बार बीजेपी को सफलता मिल चुकी है। उसके बाद तीन बार कांग्रेस, दो बार समाजवादी पार्टी, एक बार जनता पार्टी और जनता दल के प्रत्याशी जीत चुके हैं। आंवले की खेती के लिए मशहूर प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा क्षेत्र में वर्मा समुदाय की मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं की संख्या है।
किसी भी दल के प्रत्याशी की जीत में ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में अब की बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पट्टी की जनता किसकी जीत पक्की करती है। क्या बीजेपी अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगी या सपा अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस ले आएगा या फिर बीएसपी इस बार अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। इन तमाम सवालों का जवाब नतीजे आने के बाद ही सामने आ पाएगा।